News 18, India. जेडीयू के दो विधायक नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी खेमे के आपको नाम मालूम है, चेतन आनंद और इसके अलावा नीलम जो कि अनंत सिंह की पत्नी एक आनंद मोहन के बेटे हैं। दूसरी स्थिति अब बीजेपी की, मैं जरा बता दूं, बीजेपी के तमाम दावों के बावजूद दो विधायक, दोनों महिला विधायक रश्मि वर्मा और इसके अलावा जो दूसरा नाम है भागीरथी देवी, अब ये दोनों या इसके अलावा जो आरजेडी के दो हैं, जेडीयू के जो दो हैं, ये अभी तक जो नहीं पहुंचने का सिलसिला, इसके पीछे कौन कौन सी तर्क है, कौन कौन सी बड़ी बातें वक्त के साथ क्लियर होगा। इस वक्त मैं बड़ी बातें आप दर्शकों को बता रही हूं कि तीनों ही खेमों ने, यानी आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, सबने तमाम कोशिशें की, लेकिन ऐसी सूरत बनी कि किसी के भी पार्टी के जितने विधायक हैं, यानी बीजेपी के कुल 78 विधायक नहीं पहुंचे, कुल 45 जेडीयू के विधायक कुल नहीं पहुंचे, आरजेडी के कुल 79 नहीं पहुंचे कुल। ये स्थिति इस वक्त है। सबसे बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में ये सारे सस्पेंस से पर्दा हट जाना है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन कैसे मानेंगे सब, किस तरीके से इन्हें एकजुट रखने की कोशिश हुई है, जीतन राम मांझी कैसे वाले, चार विधायक वाले जीतन राम मांझी ने इतना प्रेशर पॉलिटिक्स बीते 15 दिन में खेला है कि कभी अमित शाह को बात करने की नौबत आ जाती है तो कभी नित्य आनंद राय उनके घर पे जाते हैं, उनको लेकर पहुंचा जाता है, इस तरीके की सूरत बनी हुई है। तो ये फिलहाल स्थिति है। एक निर्दलीय सुमित सिंह जो है, सुमित को हालांकि नीतीश कुमार शुरुआती वक्त से लेकर चल रहे हैं, वो उन्होंने पाला नहीं बदला क्योंकि वो पहले ही मंत्री पद ले चुके थे, शपथ ले लिया था उन्होंने। और आज ये तस्वीर साफ हो रही है कि क्यों निर्दलीय को भी इतना ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा था, क्योंकि मालूम था नीतीश कुमार को एक भी सीट इधर उधर हो तो फिर ये खेल बहुत बिगड़ जाना है, एक भी विधायक अगर मूड बदले तो बिगड़ जाना है। हालांकि अगर दो आरजेडी वाले नहीं टूटते तो स्थिति खराब होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार पुराने और माहिर खिलाड़ी है राजनीति के, कोई साधारण व्यक्ति है नहीं वो बिहार के लिहाज से, उन्हें पता है कि कैसे किसको कब इस्तेमाल करना है, ये बहुत बखूबी तरीके से। और हाँ, राजनीति में ये तमाम पार्टियां करती है, इसमें नीतीश कुमार ही कोई अलग अपवाद नहीं है, सारी पार्टियां करती है, यही बिहार में भी हो रहा है। मैं अपने सहयोगी अब रवि का रुख करूंगी ये बड़ी बातें बताने के बाद, मुझे वो सारी शर्तें जानना है रवि आपसे, कि रवि नहीं है तो मैं चंद्रमोहन से बात करूंगी। चंद्रमोहन, मुझे ये सारी शर्तें जाननी है कि कौन कैसे कैसे माना, ये दो चेहरे जो हैं बाहुबलियों के एंगल से, अनंत सिंह की बीबी हो या फिर आनंद मोहन के बेटे हों, उनके बारे में बहुत ज्यादा दर्शकों के सामने जाने की जरूरत नहीं है, वक्त वक्त पे हमने बताया है क्या एंगल है, मेरे दर्शक समझदार हैं, वो खुद समझ जाएंगे। मुझे जानना है कि ये जीतन राम मांझी जो कि राज्यसभा के लिए वो कह रहे थे कि हमें दे दीजिए, और कल क्या इत्तफाक है कि कल शाम को ही राज्यसभा की लिस्ट आती है जिसमें बिहार से ना सुशील मोदी होते हैं ना जीतन राम मांझी होते हैं, दोनों ही नए चेहरे, ये माने किस तरीके से जीतन राम मांझी, चार विधायकों वाले? बिल्कुल, देखिए जीतन राम मांझी पहले ही दिन से यह कहते आ रहे हैं कि उनको दो बर्थ चाहिए। उन्होंने एक जुमले में यह कहा था कि दो रोटी से अगर किसी की भूख नहीं जाती हो तो उसको तीन रोटी की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में जीतन राम मांझी का जब यह बयान आया था उसके बाद से ही लगातार बीजेपी के नेता उनसे संपर्क करने लगे थे, उनसे जेडीयू के नेताओं ने मुलाकात की थी और यह कोशिश की थी कि जीतन राम मांझी वहाँ से हिले नहीं। हाँ, इतना ज़रूर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह कहा गया है कि गया का जो लोकसभा का सीट है वो एक उनके पाले में जा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जीतन राम मांझी को आगे जब बीजेपी की सरकार बनेगी उसके बाद एकमोडेट किया जा सकता है, तो उनको इस तरह से शांत किया गया है। हालांकि ये जरूर बीच में बातें आई थी कि अगर जीतन राम मांझी पाला बदलने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में महागठबंधन के नेताओं ने उनके ऊपर डोरे डालने भी शुरू कर दिए थे। और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये भी कहा गया कि जीतन राम मांझी के बेटे जो संतोष सुमन है उनको पहले महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम बनाने की बात की गई थी, यहां तक महागठबंधन की तरफ से ऑफर दिया गया कि उनको सीएम बना दिया जाएगा जीतन राम मांझी को, लेकिन जीतन राम मांझी लगातार कहते रहे कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और हमने हर बार देखा है चंद्रमोहन कि आखिर किस तरीके से जीतन राम मांझी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में सामने आते हैं। मैं चंद्रमोहन लौट रहे हैं आपके पास, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सदन की तस्वीर आपसे कुछ ही देर पहले की, पहले ये तस्वीर देखिए और समझिए, नीतीश कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, एक दूरी जो है वो दोनों में है, लेकिन जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज, जो आई कांटेक्ट तेजस्वी यादव का है वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि कितनी नाराजगी जो है तेजस्वी यादव के अंदर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, और बार बार जो है वो दो बार चेहरा उठाकर किस तरीके से नीतीश कुमार को देखते हुए नजर आते हैं, और ये तस्वीर काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन,
अगर शायद मैं गलत नहीं हूं तो मुख्यमंत्री के दोबारा शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ये पहला 1-to-1 है जिसमें तेजस्वी यादव एक अलग सा लुक देते हुए नीतीश कुमार को नजर आ रहे हैं, जो ये बता रहा है कि देखिए नाराजगी तो हमें आपसे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल देखिए, और ये तस्वीरें साफ कर रही हैं कि भले ही इससे पहले भी वो साथ थे और जब अलग हुए तो उसके बाद कि अभी साथ में खड़े नजर आए, एक दूसरे के सामने नजर आए, लेकिन दूरियां साफ साफ दिख रही हैं। और ऐसी ही दूरियां नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आ रहे थे उसके एक महीने पहले दिख रही थी। यही नीतीश कुमार हैं जो तेजस्वी यादव के किसी सरकारी कार्यक्रम में अपने साथ जब लेकर जाते थे तो छोड़ने के लिए उनके 10 सर्कुलर रोड जो आवास है जहां पर राबड़ी देवी रहती हैं वहां जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने वहां जाना बंद कर दिया था। और उसके बाद से यह माना जाने लगा था कि नीतीश कुमार की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। 1 जनवरी को नीतीश कुमार उनके घर पर नहीं नववर्ष की शुभकामना देने पहुंचे और न ही राबड़ी देवी को जन्मदिन की बधाई, और उसके बाद से साफ तौर पर यह माना जाने लगा कि अब नीतीश कुमार ने अपना मुंह मोड़ लिया है और वो महागठबंधन के साथ नहीं रहने वाले हैं। और आज जो तस्वीर सामने आई है यह साफ तौर पर दिखा रही है कि भले ही एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे हों लेकिन अभी भी दूरियां, और वो दूरियां जो आज से 1.5 महीने पहले बढ़ी थी उसी तरह की कुछ बिल्कुल चंद्रमोहन, वो दूरियां जो है वो बॉडी लैंग्वेज आई लुक सब में देखी जा सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास। जिस तेवर का मैं जिक्र कर रही थी अपने दर्शकों के सामने कि आरजेडी ने जो तेवर दिखाया, अगर नीतीश कुमार बहुमत साबित कर भी लेते हैं तो भी बिहार की स्थिति खराब होने वाली है, और इसीलिए पूरे राज्य को अलर्ट पे रखा गया है। पुलिस विभाग बहुत ज्यादा चौकन्ना है क्योंकि उसे मालूम है कि कोई भी सूरत हो सकती है, और वो तस्वीरें आनी शुरू भी हो गई। आरजेडी के जो समर्थक है वो ये भांप चुके हैं कि क्या होने जा रहा है। उनके जब 2 विधायक अंदर नहीं पहुंचे हैं तो उन्हें भी स्थिति मालूम है कि अब जो दावा किया जा रहा था, जो खेला शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि राजनीति में सर्वे सर्वा है आंकड़ा, जिसके पास आंकड़ा वही सर्वोच्च होता है, और यही सूरत फिलहाल बिहार में भी बनती हुई दिख रही है। लेकिन मैं वो तस्वीरें दिखा रही हूं जो आरजेडी के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच में धक्का मुक्की की स्थिति, ये यहां पे बैठ चुके हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। और आपको अगर लग रहा है कि ये सिर्फ आज भर की तस्वीर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये आज की तस्वीर नहीं बल्कि आने वाले कई दिनों तक इसी तरीके से तस्वीरें आपको बिहार में देखने को मिलेगी। सब कुछ कंट्रोल करने की स्थिति, बिहार में जब भी सरकार गिरे नौबत यही आती है, पुलिसकर्मियों के सामने बड़ी चुनौती हो जाती है कि सब कुछ कंट्रोल करें तो कैसे करें। अब ये फिलहाल धक्का मुक्की की तस्वीरें, पटना में आरजेडी का वो प्रदर्शन जिसके लिए हम पहले से ही आशंका जाहिर कर रहे थे कि अगर आरजेडी के पास बहुमत का आंकड़ा ना हो, 122 को क्रॉस ना कर पाए, उनके विधायक अगर टूट गए तो यही सूरत बनेगी। और फिलहाल जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे पुलिस के साथ कहा सुनी झड़प की स्थिति, इस तरीके से बिहार की सियासत में फिलहाल माहौल हो चुका है, और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कुछ देर में अगर आपको सदन के अंदर सत्र के दौरान अगर वहां भी धक्का मुक्की की नौबत आई तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। तल्खियां इस लेवल की बढ़ी हुई है जिसमें आर या पार की लड़ाई, ये सियासत की वो लड़ाई हो गई है जिसमें स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब और भयावह होती जा रही है। ये पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का इस वक्त हो हंगामा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन लोगों को कंट्रोल करना, इन लोगों को शांत करना। हालांकि जिस तरीके से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं, अब ये दो तस्वीर, एक तरफ वो दो चेहरे जो कि अलग हो चुके हैं, तो कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या असर हो रहा है उसकी वानगी हम आपको सड़कों पे दिखा रहे हैं। हालांकि ये पहले से तय था कि आरजेडी के कार्यकर्ता जब भी सरकार गिरती है, जब भी उन्हें लगता है कि अब हमारे पास आंकड़ा नहीं है या हम किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकते, तो यही पटना की सड़कों पर या बिहार के अलग अलग जिलों में स्थिति देखने को मिलती है। आज एक बार फिर हम आपको वही तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि अभी जो सीनियर लीडर है पार्टी के सर्वे सर्वा है, बैक डोर से भले लालू यादव सारे डिसीजन लेते हैं लेकिन मौजूदा वक्त में तेजस्वी ही इन कार्यकर्ताओं को कंट्रोल कर पाते हैं। तेजस्वी इस वक्त अंदर है, बाहर की तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, लेकिन बाहर जो ये स्थिति बनी हुई है उसे कौन संभालेगा, सवाल ये बरकरार है। हालांकि पुलिस ने पहले भांप लिया था, पूरे राज्य को अलर्ट पे रखा गया है, सिर्फ पटना में ही नहीं चौकसी है बल्कि अलग अलग जिलों में स्थिति खराब होती है तो वहां क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसको लेकर भी बिहार की पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि ये बिहार में पहली दफा नहीं हो रहा है। जब भी सरकार गिरे, जब भी चुनाव परिणाम आए, जिसकी सरकार आती है उसके कार्यकर्ता तो लड्डू बांटते हैं, खुश होते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, लेकिन दूसरे खेमे के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं।